जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर, और मैं आपका दोस्तों महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी को टेंशन तो नहीं हो रही ना? दोस्तों अच्छे से तैयारी करो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, एक मिनट की टेंशन नहीं लेनी है। और अगर टेंशन की आ रही है याद तो आप सेकंडों की टेंशन ले लीजिएगा, ताकि वो चली जाएगी, सेकंडों में पता नहीं चलेगा, लेकिन मिनटों की टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों, याद रखें। चलो तो देखिएगा, हम स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके सामने क्लास रहने वाली है। और दोस्तों बुलेट, अरे दोस्तों बुलेट में बैठ दो फटाफट जल्दी से। आज हमारी बुलेट क्लास कौन सी है? बुलेट क्लास है तीन, तीसरी बुलेट क्लास है दोस्तों। बुलेट देखेगा, बुलेट बुलेट बेट बुलेट पर जल्दी आ जाओ सभी। अरे आ जाओ दोस्तों, आ जाओ। मैंने पता नहीं पीछे लटे को फिर बुलेट के पीछे, आ जाओ फटाक से एक बार जल्दी से। तो देखो मैं आपके सामने बुलेट क्लास तीन लेके आया हूं दोस्तों, तीसरी क्लास बुलेट है। तो फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट देखने वाले हैं। देखेगा कोई भी ऐसे नहीं करेगा दोस्तों पेपर देने के बाद कि इस क्लास में से क्वेश्चन नहीं आए। आपको पता है कि मैंने इतनी सारी क्लासें करवा दी दोस्तों, बुलेट क्लास फर्स्ट, बुलेट क्लास सेकंड, बुलेट क्लास थर्ड, इस तरीके से आपको पता होगा। और साथ ही मैंने आपको चैप्टर वाइज एक से लगाकर पूरे 12 चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिए, ठीक है। अब एक वीडियो को देख लिया और कहेंगे भाई इस क्लास में से क्वेश्चन नहीं मिले, अरे डपड़ो यहाँ क्या हाल दोस्तों। मैं कितने बार कह दिया था सभी क्लास अटेंड करनी है, ये क्लास तो आपको देखनी है, इस क्लास में से क्वेश्चन मिलेंगे, जरूर मिलेंगे आपको देखने को, ठीक है। चलो तो देखो, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा लिपि पर टिप्पणी लिखनी। किस पर? हड़प्पा लिपि। तो देखो पॉइंट बाई पॉइंट मैंने क्या बोल रखा है आपको, एग्जाम में पॉइंट बाई पॉइंट लिखना, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर थर्ड, इस तरीके से आपको लिखना है पॉइंट नंबर, जो भी आपको याद है पॉइंट बाई पॉइंट लिखेंगे। हड़प्पा लिपि, सबसे पहले इसमें आप लिख सकते हैं कि हड़प्पा लिपि जो है, हड़प्पा लिपि एक रहस्यमय लिपि है, रहस्यमय लिपि, ठीक है। हड़प्पा लिपि कैसी लिपि है? हड़प्पा लिपि एक रहस्यमय लिपि है। दूसरे पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि हड़प्पा लिपि को रहस्यमय लिपि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, ठीक है। लिख सकते हैं कि इस लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, ऐसे आपको लिखना, कुल मिलाकर भरना अच्छे से, ठीक है। फिर आप लिख सकते हैं हड़प्पा लिपि, हड़प्पा लिपि की बात करें तो इसमें चिन्हों की संख्या कितनी होती है? चिन्हों की संख्या होती है 375 से 400 के बीच, याद रखना, ये आपको याद रखना अच्छे से, ठीक है। 375 से 400 के बीच में चिन्हों की संख्या होती है, और ये याद रख लो कि हड़प्पा लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है, ठीक है, ये याद रखो। मेन पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। ऐसा लिखा आपने, फिर आप जो भी, अगर आपको इसके बारे में ज्यादा याद नहीं है कि भैया क्या क्या है क्या नहीं है, ठीक है, इसमें आप तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, हड़प्पा लिपि आ गया तो इससे संबंधित कुछ भी लिख दो आप। ये मेन पॉइंट आपने लिख दिए, फिर बाद में नहीं आ रहे तो बीच में या आगे पीछे कर दो, इसमें यह लगा दो हड़प्पा लिपि जो है, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की, ऐसे जो भी आप जानते हैं, हड़प्पा जो है वो रावी नदी किनारे स्थित है। बाकी देखो इससे संबंधित आप लिख सकते हैं, मेन पॉइंट आपने लिखे, फिर बाद इससे संबंधित लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, आगे बात समझ में। चलो तो ये आपने लिख दिए, ये अपने हड़प्पा लिपि हो गई। चलो अभिलेख किसे कहते हैं? देखो मेन बता रहा हूं मैं दोस्तों, इसी प्रकार से आपको करना है, क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ रहा है तो देखो इससे संबंधित ही आपको लिख देना है। अभिलेख किसे कहते हैं? तो आप परिभाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि पत्थर, ठीक है, पत्थर धातु मिट्टी के बर्तन पर खुदे हुए लेख, ठीक है, जो खुदे हुए लेख हैं, खुदे हुए लेख, उन्हें कहा जाता है अभिलेख, याद रखना। तो अभिलेख किसे कहते हैं? तो अभिलेख आपको याद रखना है पत्थर धातु और मिट्टी के बर्तन पर खुदे हुए लेख को अभिलेख कहा जाता है। और अभिलेखों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का अध्ययन करना, याद रखना, अभिलेख शास्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिलेख शास्त्र, याद रखेंगे, अभिलेख शास्त्र। किसे कहते हैं अभिलेख शास्त्र? अभिलेखों का अध्ययन करना क्या कहलाता है प्यारे मित्रों? अभिलेख शास्त्र। आ रही बात समझ में, ठीक है। देखो याद रखना, भारत में सर्वप्रथम जो अभिलेख हैं वो अशोक ने लिखे थे। किस राजा से प्रेरित होकर? ईरान के राजा से प्रेरित होकर जो है भारत में सर्वप्रथम अभिलेख अशोक द्वारा लिखे गए हैं। तो ये याद रख लो, बस काम पक्को। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की कौन कौन सी विशेषता ये आज भी प्रासंगिक है। मोस्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की कौन सी विशेषता आज भी प्रासंगिक है। तो इसमें उत्तर आप लिखेंगे, देखो पहला पॉइंट कि नियोजित जल निकास प्रणाली, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की अनूठी विशेषता है जल निकास प्रणाली। उसी प्रकार से दूसरा पॉइंट कि नगरों में सड़कों का ढाल जो है इस प्रकार बनाया जाता था कि हवा चलने के साथ साथ सड़कों की सफाई हो जाती थी। तो ये व्यवस्था जो है वो आज भी प्रासंगिक है। उसी प्रकार से आज भी नगर का नियोजन जो है वो इस प्रकार किया गया है जैसे हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में था, पहले था,
वैसे इसलिए हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषता है वो आज भी प्रासंगिक है। कुल मिलाकर ये पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। मोस्ट क्वेश्चन है, याद रख लेना अच्छे से, मैंने पता कौन फिर हार गया तो। देखो गोत्र के महत्वपूर्ण नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, गोत्र के महत्वपूर्ण आपको नियम पूछ लेंगे कि पूछ ले रहा दोस्तों नियम नियम याद ना। गोत्र गोत्र क्या है ये देखो, सबसे पहले आता है गोत्र गोत्र। अब आपको पता है हर एक कास्ट हर एक जाति की गोत्र होती है दोस्तों, ठीक है, चाहे रावत हो राजपूत हो कोई भी, ठीक है, सबकी गोत्र होती है, अलग अलग गोत्र होती है गोत्र। तो देखो प्यारे मित्रों याद रखना दोस्तों, मैं बात करूं था गोत्र क्या है, तो गोत्र एक प्राचीन ब्राह्मण पद्धति है। क्या लिख सकते हैं, गोत्र क्या है, तो गोत्र प्राचीन ब्राह्मण पद्धति है, ब्राह्मण पद्धति है। गोत्र क्या है, तो गोत्र प्राचीन ब्राह्मण पद्धति है। और इसके प्रमुख नियम क्या है, तो इसके नियम है दोस्तों, विवाह के बाद जो है स्त्री को अपने पिता के गोत्र को बदलकर पति का गोत्र लगाना होता है, ठीक है, याद रखना दोस्तों। गोत्र के नियम, गोत्र क्या है, तो गोत्र एक प्राचीन ब्राह्मण पद्धति है, और विवाह के बाद स्त्री को अपने पिता का गोत्र त्याग कर पति का गोत्र लगाना होता है, ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता इसमें यह है, दूसरा जो नियम है वो आप ये लिख सकते हैं कि एक ही गोत्र के जो सदस्य है वो आपस में विवाह नहीं कर सकते। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि एक ही गोत्र के जो सदस्य हैं वो आपस में शादी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये गोत्र के महत्वपूर्ण नियम हो गए। एक एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछा गया था कि पूछे रे यार तू कि पूछे देखो प्रश्न ध्यान रखना आप सभी, ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद चार वेद आपको पता होगा, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद है, ठीक है। और प्रश्न क्या पूछा गया था, ऋग्वेद का संकलन कब किया गया था, ऋग्वेद का संकलन कब से कब तक चला, ऋग्वेद का संकलन, तो इसका संकलन चला था आपको याद रखना दोस्तों 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है, ये याद रखना इसका संकलन। उसी प्रकार से आपको पूछा जाता है मनुस्मृति, मनुस्मृति का संकलन कब से कब तक, मनुस्मृति तो इसका संकलन चला 200 ईसा पूर्व से, 200 बीसी से 200 ऐसे कर देना आप सभी, ठीक है, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक मनुस्मृति का संकलन याद रखे। चलो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया है। महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है, गतिशील नाम से पता चल रहा है, गतिशील मतलब लगातार गति कर रहा है, क्या कर रहा है, लगातार गति कर रहा है दोस्तों। तो महाभारत को गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है, आप लिख सकते हैं कि महाभारत को गतिशील ग्रंथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि महाभारत की रचना जो है वो हजार वर्षों तक होती रही और हजारों वर्षों तक इसमें नए नए प्रकरण जुड़ते गए थे, ठीक है। महाभारत का विकास केवल संस्कृत के साथ ही समाप्त नहीं हो गया, महाभारत का विकास केवल संस्कृत के साथ समाप्त नहीं हुआ बल्कि हजारों वर्षों तक इसकी रचना हुई और हजारों वर्षों तक इसमें नए नए प्रकरण जुड़ते गए, इसलिए महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ कहा जाता है, ये इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। वैसे ये एग्जाम में पूछा गया है, क्या पता दोबारा भी रिपीट हो जाए। आगे देखो, अभिलेख साक्ष्य की सीमा, यानी अभिलेख जो थे, अभिलेख अभी हमने देखा था कि पत्थर धातु मिट्टी पर जो खुदे हुए लेख थे उनको अभिलेख कहा जाता है। अब अभिलेखों की कमियां क्या है, साक्ष्य मतलब क्या पूछा है, सीमा, सीमा मतलब उसकी कमियां क्या है, अभिलेखों के अंदर क्या कमियां है। तो देखो प्यारे मित्रों अभिलेखों की कमियां आप ये लिख सकते हैं कि देखो हल्के, अब कुछ कुछ अभिलेख ऐसे मिलते हैं दोस्तों जो बिल्कुल हल्के उत्कीर्ण है, ठीक है, दिखाई नहीं देते, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो ये प्रमुख समस्या है। हल्के उत्कीर्ण होने की वजह से क्या है दोस्तों, शब्द जो है वो हल्के उत्कीर्ण थे जिससे जो है वो स्पष्ट जानकारी हम नहीं दे पाते हैं, स्पष्ट जानकारी नहीं पता चलती है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट, ये इसकी प्रमुख कमी है। अभिलेख जो है कई बार तो क्या होता है, अभिलेख तो मिल जाते हैं लेकिन वो नष्ट हो जाते मिलते हैं, ठीक है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता, इतिहासकार जो है वो पता ही नहीं लगा पाते कि कितना साल पुराना कितना साल पुराना नहीं है, तो ये प्रमुख इसकी कमी है, अभिलेख नष्ट हो जाते हैं। अक्षरों को पढ़कर ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है, अक्षरों की तुलना करनी पड़ती है, ठीक है, ये प्रमुख कमियां है दोस्तों। वास्तविक, देखो अभिलेखों का जो है वास्तविक अर्थ निकालना बहुत कठिन है, ठीक है, वास्तविक अर्थ निकालना बहुत कठिन है दोस्तों अभिलेखों का। अभिलेख बनवाले वाले के विचार प्रकट किए जाते हैं, ठीक है, कौन अभिलेख बनवा रहा है उसके विचार प्रकट किए जाते हैं अभिलेखों में, तो ये प्रमुख जो है आप अभिलेख साक्ष्य के जो है कमियों में लिख सकते हैं, मोस्ट है ये क्वेश्चन। आगे देखो अगला क्वेश्चन, बुद्ध की शिक्षा, जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध या फिर आपके कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म की शिक्षा बताओ, एक ही है, महात्मा बुद्ध की शिक्षा क्या है। देखो तो महात्मा बुद्ध की अपनी जो शिक्षा है वो देखो, हिंसा ना करना, बिल्कुल हिंसा ना करना ये पहली शिक्षा है, झूठ ना बोलना, ठीक है, चोरी ना करना, पराये धन का लोभ ना करना, नशे का सेवन ना करना, दुराचार से दूर रहना, ये जो है बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं हैं। याद रखेंगे अच्छे से कि भाई हिंसा ना करना, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, और पराये धन का लोभ ना करना, और नशे का सेवन ना करना, और दुराचार से दूर रहे, आचरण जो है वो अच्छा होना चाहिए, दुराचार से दूर रहना चाहिए, ये प्रमुख दोस्तों बुद्ध की शिक्षा है। अरे मैं दावा ठोक कर कहता हूं दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना अच्छे से। चलो आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, के पूछ रहे आगे प्रश्न पूछ रहे आपको, देखिए दोस्तों अच्छे से देखो यार, बार बार देखो अच्छे से, कि सहायक संधि की प्रमुख शर्तें, सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है सहायक संधि, सहायक संधि का जनक 1798 आपको पता होगा, सहायक संधि के जनक कौन है भाई, वेलेजली, वेलेजली सहायक संधि के जनक हैं।
ठीक है, ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, ये गिलास फल है ना एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। ये अवध रियासत के बारे में किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी ने कहा था अवध रियासत के बारे में, वेलेजली ने नहीं कहा था। वेलेजली तो देखो सहायक संधि की इन्होंने शुरुआत की थी, इसलिए वेलेजली को सहायक संधि का जनक कहा जाता है। अब देखो क्या पूछा कि सहायक संधि की शर्तें लिखो, कौन कौन सी शर्तें सहायक संधि की, तो देखो पहले लिख सकते हैं कि अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। ये सहायक संधि की पहली शर्त थी, क्या थी कि अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। दूसरी देखो, सहयोगी पक्ष ना तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा, ठीक है, और ना ही अंग्रेजों के अनुमति के बिना किस युद्ध में हिस्सा लेगा, ठीक है, अगर युद्ध में हिस्सा लेना है तो अंग्रेजों से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये प्रमुख क्या है, दो शर्तें हैं सहायक संधि की, ये भी आप याद कर लेना दोस्तों। आगे देखो, नमक यात्रा किन कारणों से उल्लेखनीय है, ना जाने कितने बार पूछ रहे, बंपर भर्ती आ चुकी है दोस्तों, बंपर भर्ती, बंपर प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न याद रहना आप सभी अच्छे से कि नमक यात्रा किन कारणों से उल्लेखनीय थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रहना, यह कई बार पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। नमक यात्रा जो है वो क्यों उल्लेखनीय थी, तो पहला इसमें लिख सकते हैं कि इस यात्रा में गांधी जी दुनिया के नजर में आ गए थे। गांधी जी की गिरोह दोस्तों आपको पता होगा, दोस्तों पता तो है ना अच्छे से, नमक बनाकर कानून को तोड़ देते हैं दांडी नमक गुजरात में, आपको पता होगा, ठीक है, साबरमती आश्रम से कितने 6 फरवरी 1930 को नमक बनाकर कानून को तोड़ते हैं गांधी जी। तो इस यात्रा में गांधी जी दुनिया के नजर में आ गए थे, पहली विशेषता, नमक यात्रा क्यों उल्लेखनीय थी, तो गांधी जी दुनिया के नजर में आ गए। उसी प्रकार पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी, ये जो प्रमुख थी दोस्तों, ये पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी, ठीक है, समाजवादी कार्यकर्ता थी दोस्तों, पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी ये, और ये पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने जो है, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, महिलाओं ने क्या लिया, बढ़ चढ़कर भाग लिया था। और समाजवादी कार्यकर्ता थी जिसका नाम था कमला देवी चट्टोपाध्याय, क्या नाम था दोस्तों, कमलाधार चट्टोपाध्याय, ठीक है। ये पहली राष्ट्र समाजवादी कार्यकर्ता थी जिन्होंने कहा था कि आंदोलन ये जो आंदोलन हो रहा है ये पुरुषों तक ही सीमित नहीं रहेगा, इसमें महिलाएं भी भाग लेगी बढ़ चढ़कर, ठीक है। तो ये याद रहना दोस्तों, महिलाओं की हिस्सेदारी इसमें बड़ी पहली गतिविधि थी दोस्तों, तो ये इसी कारण से नमक यात्रा उल्लेखनीय थी। तो ये पॉइंट बाय पॉइंट आपको एग्जाम में लिखना है इसी तरीके से। चलो बात आगे हमारे समझ में आगे चलो थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे, देखो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो किससे परिचित नहीं थे, तो लोह है दोस्तों, लोको कि लोहे से परिचित नहीं थे, याद रखना आप सभी, लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन है, बाकी तांबा जो भी है सोना सब हुआ, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। ब्राह्मणों को दिए जाने वाला भूदान क्या कहलाता है, तो ब्राह्मणों को दिए जाने वाला जो भूदान है वो कहलाता है अग्रहार, क्या कहलाता है, अग्रहार किसे कहते हैं, ब्राह्मणों को दिए जाने वाला भूदान अग्रहार कहलाता है, याद रखे। आगे देखो असु डाक व्यवस्था, जो असु डाक व्यवस्था थी उसे किस नाम से जाना गया, असु डाक व्यवस्था को उल्लूक नाम दिया गया, और जो पैदल डाक व्यवस्था थी उसको क्या नाम दिया गया था, उसको नाम दिया था दावा, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आप याद रखें कि जो असु डाक व्यवस्था थी उसे उल्लूक नाम दिया गया, और जो दावा है वो पैदल डाक व्यवस्था में जो हर 3 मील पर जो है वो स्थान होते थे उन्हें दावा कहा जाता था। खेड़ा सत्याग्रह, अब जो खेड़ा सत्याग्रह है वो आपके 1917 में तो आपको पता होगा चंपारण किसान आंदोलन हुआ था, चंपारण उत्तर बिहार के चंपारण जिले में हुआ था, ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों नील की खेती होती थी वहां पर चंपारण के अंदर, 1917 में चंपारण किसान आंदोलन, फिर खेड़ा सत्याग्रह 1918 के अंदर गुजरात के अंदर हुआ गांधी जी के नेतृत्व में, ठीक है। तो ये याद रखे, प्रायिक प्रशस्ति पर टिप्पणी लिखो, क्या लिखो दोस्तों, टिप्पणी जानो दोस्तों, मैं कौन टिप्पणी लिख लो दोस्तों, टिप्पणी देखिएगा, प्रायिक प्रशस्ति पर टिप्पणी लिखनी है, अपना टिप्पणी लिखो दोस्तों, लिखो टिप्पणी, प्रायिक प्रशस्ति पहला पॉइंट नंबर 1, प्रायिक प्रशस्ति की रचना किसने की, प्रायिक प्रशस्ति की रचना हरिशयन ने की। नंबर 2, प्रायिक प्रशस्ति को किस नाम से जानते हैं, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख भी कहते हैं। नंबर 3, प्रायिक प्रशस्ति की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। नंबर 4, जो हरिशयन है वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है एग्जाम में पॉइंट बाई पॉइंट लिखना दोस्तों अच्छे से, ये बात आगे समझ में। खान का किसे कहते हैं, खान का सूफी संत और धर्म प्रचारकों के जो रहने का स्थान है उसे कहा गया था खान का, इंपोर्टेंट है, IMPORTENT, इंपोर्टेंट याद रखना, खान का सूफी संत और धर्म प्रचारकों के रहने के स्थान को खान का कहते हैं, याद रखना। देखो आपको पता है, अच्छे से पढ़ने वाले तो समझ गए होंगे, आपको पता है कि इंग्लिश भी साथ में याद हो रही है, इंपोर्टेंट की मैंने याद ना IMPORTENT इंपोर्टेंट। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं, पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के कौन कौन से स्रोत हैं। अब देखो जैसे भारतीय संविधान में हम बात करते हैं, जैसे संसद ये किस संविधान से ली गई है, तो यही स्रोत है। इसमें देखो मैंने आपको ट्रिक बताई दोस्तों, क्या बताई थी ट्रिक, निया आज सद को गफा करूं, अरे दोस्तों क्या कह रहे हैं, गफा करूं, गफ
तो ये याद हो, निया आज सदको गफा करूं, ये क्या आ रहा है दोस्तों, ये ट्रिक है दोस्तों। नी से आपको याद रहा नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व, ये जो नीति निदेशक तत्व है ये आपके किस संविधान से लिए गए हैं, तो नीति निदेशक तत्व जो है वो आपके नी आ से याद रखना आयरलैंड, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया, आयरलैंड के संविधान से आप याद रखेगा रखेगा नीति निदेशक तत्व लिए गए। नी आज आ से देखो आपातकाल, आ से क्या याद रखना है, आ से याद रखना आपातकाल, और ये जो आपातकाल है ये आपातकाल जो है आपके किस संविधान से लिया गया है, जैसे याद रखना जर्मनी के संविधान से, किस संविधान से लिया गया भाई आपातकाल, जर्मनी के संविधान से, ठीक है। संविधान सद से याद रखना संविधान संशोधन, अगर हमें संविधान के अंदर क्या करना बदलाव करना है तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो आपके लिए है दक्षिणी अफ्रीका से, किस संविधान से लिए हैं, दक्षिण अफ्रीका से, तो ये प्रश्न भी आप याद कर लो अच्छे से। निया आज सद को गफा करूं, को तो साइलेंट रहेगा भाई, गफा करूं गणतंत्रात्मक व्यवस्था, जो आपके गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था ये आपके लिए गए हैं फैसे याद रहना फ्रांस, कहां से लिए गए हैं फ्रांस से, और कैसे याद रहना मूल कर्तव्य, जो मूल कर्तव्य है आपके ये मूल कर्तव्य लिए गए हैं रूस, रूस से, कहां से लिए गए हैं रूस से, तो बताओ याद हुआ कि नहीं को नहीं भैया। दोस्तों ये प्रमुख भारतीय संविधान के जो है महत्वपूर्ण स्रोत है, ये पढ़ लियो अच्छे से काम हो जासी, और देख लो आप सभी, और भी बता दू थाने और बताऊ, देखो ई विकासरा मंत्री, ई हाँ ई विकासरा मंत्री, ई विकासरा मंत्री, ई विकासरा मंत्री, ई विकासरा मंत्री अन्याय की पुण्य उपमा लो, किसके उपमा लो, अन्याय की, अन्याय की पुण्य उपमा लो, अन्याय, अन्याय की पुण्य उपमा लो, अन्याय, अन्याय की पुण्य उपमा लो, ठीक है। देखो ई से याद रखना भाई आपके इंग्लैंड, अब इंग्लैंड के संविधान से देखते हैं तो आपके देखो इंग्लैंड के संविधान से जैसे विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, ये प्रक्रिया आपके जो है वो कहाँ से ली गई है, विधि मतलब कानून बनाने की प्रक्रिया, ठीक है, कहाँ से याद रखना कानून बनाने की प्रक्रिया, कानून बनाने की प्रक्रिया ये कहाँ से आपके इंग्लैंड के संविधान से याद रखना संसद, ये संसद जो है आपके आपके ली गई है इंग्लैंड से, राष्ट्र राष्ट्रपति का जो पद है आपके कहाँ से लिया गया, इंग्लैंड से लिया गया है। उसी प्रकार से मंत्री से याद रखना मंत्रिपरिषद, क्या लिया गया दोस्तों, मंत्रिपरिषद की जो प्रक्रिया है वो भी आपके कहाँ से ली गई, इंग्लैंड के संविधान से। ए से याद रखना अमेरिका, अरे दोस्तों अमेरिका, अमेरिका महाशक्ति, अमेरिका, अमेरिका से देखते हैं तो न्याय से आपको याद रखना न्यायिक प्रक्रिया, ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया जो है न्यायिक प्रक्रिया ये आपके अमेरिका के संविधान से याद रखेंगे। पुणे से याद रखना पुनरावलोकन, पुनरावलोकन, पुनरावलोकन की जो प्रक्रिया है पुनरावलोकन की वो भी आपके कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। उप से उपराष्ट्रपति का जो पद है, उपराष्ट्रपति का पद वो कहाँ से लिया गया, तो वो आपके अमेरिका से लिया गया है। मां से याद रखना महाअभियोग, महाअभियोग की जो प्रक्रिया है महाअभियोग, महाअभियोग की प्रक्रिया आपके अमेरिका के संविधान से। अरे याद हो रही कि नहीं हो रही है दोस्तों, हो रही याद सबने अच्छे से, याद रखना अच्छे से, भूलना मत आप सभी, मुझे पता नहीं फिर एग्जाम में पूरी बोले ली। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है दोस्तों, पुष्पराज झुक गया तो मुझे नहीं पता, सिंधु सभ्यता के चार स्थलों के नाम बताओ, कोई भी लिख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के या हड़प्पा सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता कहो चाहे हड़प्पा सभ्यता कहो, बात तो एक ही है, याद रखना इसके चार स्थल। आपके मन में हड़प्पा आ रही तो हड़प्पा लिख दो, मोहनजोदड़ो आ रही तो मोहनजोदड़ो लिख दो, चौहद्रो आ रही तो चौहद्रो लिख दो, लोथल आ रही हो धोलावीरा आ रही, और कोई भी लिख दो, चार स्थलों के नाम लिखने हैं जिसमें आप लिख देना, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चौहद्रो है, बालाकोट, जो भी आप चाहो वो आप स्थलों के नाम लिख सकते हैं, कोई चार स्थलों के नाम, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है आगे बारा समझ में, सिंधु सभ्यता के विनाश के चार, विनाश के कारण पूछे, आखिर सिंधु घाटी सभ्यता यानी ये जो है ना हड़प्पा सभ्यता ये आखिर विनाश क्यों होगी, उसका विनाश तो आप लिख सकते हैं। पहला पॉइंट, क्या पता भूकंप आ गया होगा, ठीक है भूकंप आ गया होगा, या फिर वनों की कटाई हो गई होगी, वनों की कटाई के कारण जो है फिर बाद में विनाश हो गया, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं दोस्तों क्या पता आर्यों ने आक्रमण कर दिया होगा, आर्यों का आक्रमण, या फिर सूखा पड़ गया होगा, सूखा, इस तरीके से कोई भी लिख सकते हैं दोस्तों कारण। चलो बात आगे समझ में, खानवा का युद्ध आपको पता है, राणा संघ और बाबर के बीच खानवा का युद्ध 1527 के अंदर, ठीक है, जिसमें विजय किसकी होती है, बाबर की हो जाती है, तो खानवा का युद्ध किस किसके मध्य, बाबर और राणा संघ का, कर देना आपको। गांधी इरविन समझौता की शर्तें लिखेगा, देखो गांधी इरविन समझौता, कान खोल के सुन लीजिएगा, अरे यार मेरा दर्द हो गया कान में, अरे कान खोल सुन ले दोस्तों, कान खोलिए, ठीक है आप खोलो मत खोलो ना, मेरा तो दर्द हो गया, ठीक है। गांधी इरविन समझौता की बात करें, गांधी इरविन समझौता देखिएगा प्यारे मित्रों, गांधी इरविन समझौते की शर्तें पूछिए, तो 5 मार्च 1931 को दोस्तों ध्यान आप सभी अच्छे से है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। अब गांधी इरविन समझौते की शर्तें क्या क्या है वो आपको लिखनी है प्यारे मित्रों, हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना, गांधी इरविन समझौते की प्रमुख शर्तें हैं, इसमें सविनय अवज्ञा जो आंदोलन हुआ था उसको गांधी जी ने वापस ले लिया, पहली शर्त ये थी। तटीय क्षेत्र में नमक उत्पादन की अनुमति देना, ठीक है, तटीय क्षेत्र में नमक उत्पादन की अनुमति लेना, ये प्रमुख जो है दो शर्तें थी गांधी इरविन समझौते की। चलो ये बात आगे समझ में, मोस्ट है फिर मत गणना के व्यवस्था में आपने बताया नहीं, मैं तो बता रही हूँ दोस्तों अच्छे से बता रही हूँ।
गांधी जी विदेश गए थे 1893 में गए थे विदेश, लेकिन पता नहीं घरे में वापस आ जाते 1915 में। बापू जी भी क्या करे काम, ठीक है, भारत के राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता दोस्तों, राष्ट्रपिता गांधी जी, राष्ट्रपिता भाई, राष्ट्रपिता गांधी जी तो विदेश गए थे 1894 में, 1915 में वापस आ गए, पता नहीं क्या जस की। उसी प्रकार से देख लो दोस्तों, गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह को अपनाया, पहली बार सत्याग्रह को कब अपनाया, इन्होंने अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ अपनाया? दक्षिण अफ्रीका। याद रखेंगे कि गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह जो है अपनाया था वो दक्षिण अफ्रीका में। और आपको पता होगा तीन सत्याग्रह हैं, पहले सत्याग्रह, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन थे, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन थे, तो वे थे विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे, विनोबा भावे। और दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन थे? दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन थे? तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रह तो वो थे ब्रह्मदत्त। कौन थे दोस्तों? ब्रह्मदत्त। ये याद रखना आप सभी। चलो चलो आगे बात समझ में थे तो आगे चलो काम रखो। रायचूर दुआब, कौन सा दुआब? रायचूर, रायचूर। ये कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का जो क्षेत्र है उसे रायचूर दुआब कहा गया था, ठीक है। कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का जो क्षेत्र है वो रायचूर दुआब, ठीक है। आ रही ना बात समझ में? ठीक है चलो। बासवाना कौन थे? बासवाना लिखी, बासवाना कौन थे? लिखी, तो लिखो बासवाना। बासवाना जो है वो दोस्तों कलाचुरी राजा थे, कलाचुरी राजा के दरबार में थे मंत्री। बासवाना कौन थे? तो बासवाना कलाचुरी राजा के दरबार में मंत्री थे, ठीक है। इन्होंने वीर शिव परंपरा के ये प्रवर्तक भी माने जाते हैं, आपको याद रखना है। देखो ये इसके जो अनुयायी है, बासवाना जी के अनुयायी जो है वो क्या कहलाए? वो कहलाए थे लिंगायत, लिंगायत या फिर हम कह सकते हैं वीरशैव, ठीक है। बासवाना के अनुयायी क्या कहलाए? तो लिंगायत या वीरशैव, आपको याद रखना है। एक दार्शनिक सामाजिक सुधारक थे, ठीक है। बासवाना जो है वो एक दार्शनिक थे, सामाजिक सुधारक थे। और वीरशैव परंपरा का इन्होंने प्रवर्तक किया था कर्नाटक के अंदर, याद रखे ये भी 1166 तक। चलो ये बात आगे समझ में आ गई। देखो मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का ऐलान कब किया गया? मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का ऐलान कब किया गया था? तो ये किया गया था आपके 1946 में। और मुस्लिम लीग द्वारा 1940 में लाहौर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था। 1940 में लाहौर में जो है पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था मुस्लिम लीग द्वारा। अंतर्विवाह और बहिर्विवाह, देख लो कुछ नहीं करना है, अंतर्विवाह। अंतर का मतलब क्या होता है? अंतर का मतलब होता है अंदर, ठीक है। अंदर, अंतर मतलब अंदर का, गोत्र के अंदर, ठीक है। गोत्र के अंदर क्या करना? विवाह करना। गोत्र के अंदर विवाह करना क्या कहलाएगी? अंतर्विवाह पद्धति कहलाएगी। बहिर्विवाह, बहिर्मिस क्या होता है? बहिर्मिस बाहर होता है, बहिर्मिस क्या होता है? बाहर, ठीक है। और बाहर किसके? गोत्र के। गोत्र के बाहर विवाह करना क्या कहलाएगा? गोत्र के बाहर विवाह करना कहलाएगी बहिर्विवाह पद्धति। बहिर् का मतलब बाहर, गोत्र से बाहर विवाह करना बहिर्विवाह। और बहुपति, बहुमिस क्या होता है? बहुमिस होता है अधिक। बहुमिस क्या होता है दोस्तों? बहुमिस होता है अधिक। और पतिमिस क्या होता है? पतिमिस पति, ठीक है। याद रखना जिस स्त्री के एक से ज्यादा पति होते हैं, अधिक पति होते हैं, ठीक है, बहुसंख्यक, एक से ज्यादा पति होना वो कहलाएगी बहुपति प्रथा। अनेक पति होना, कहने का मतलब बहुपति प्रथा किसे कहते हैं? जिस स्त्री के अनेक पति होते हैं वो बहुपति प्रथा, एक से ज्यादा पति होना, ठीक है। बहुपत्नी, बहुमिस क्या? अधिक। बहुमिस क्या होता है? अधिक। और पत्नी मिस पत्नी, ठीक है, पत्नी। जिस पुरुष के एक से ज्यादा पत्नियां, अनेक पत्नियां, वो बहुपत्नी प्रथा। चलो यार तो समझा दियो मैंने। आगे देखो दक्कन दंगा आयोग, दक्कन दंगा रिपोर्ट पूछी जाती है दोस्तों, दक्कन दंगा आयोग। तो देखो इसकी शुरुआत कब हुई थी दक्कन दंगा की? इसकी शुरुआत हुई थी 12 मई 1875 को। दक्कन दंगा आयोग की शुरुआत कब हुई थी? तो दक्कन दंगा आयोग की शुरुआत हुई थी 12 मई 1875 को, 12 मई 1875 को, ठीक है। किसके खिलाफ चला था दक्कन दंगा आयोग? तो ये साहूकार के खिलाफ चला था। रुकिए मैं गड़ो रहेगी हूँ, ध्यान आप सभी अच्छे से दोस्तों, ठीक है। साहूकार के खिलाफ चला था दक्कन दंगा आयोग, शुरुआत हुई थी 12 मई 1875 को, ठीक है। किसके खिलाफ चला था? साहूकार के खिलाफ चला था। इसमें क्या हुआ? साहूकार व्यक्ति जो है एक गरीब किसान था, उस गरीब किसान की जो है जमींदार हड़प लेता है, जमीन जो है जमीन हड़प लेता है। जमीन हड़प कर क्या कर देता है? नीलामी कर देता है। नीलामी का मतलब समझ गए? यानी ऊंचे दाम लगाकर जो है जमीन को बेच देता है। कौन? ये साहूकार, ठीक है। तो इसे साहूकार के खिलाफ चला था दक्कन दंगा आयोग। और दक्कन दंगा आयोग ने जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिपोर्ट कब पेश की थी? तो ये पेश की थी 1878 में। याद रखना दक्कन दंगा आयोग ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिपोर्ट कब पेश की? तो 1878, आपको याद रखना, मोस्ट क्वेश्चन है। उसी प्रकार से दक्कन दंगा आयोग कहां का, इसका फैलाव कहां का चला? ये भाई अपने फैलाव इसका देखो महाराष्ट्र, पन्ना, अहमदाबाद, सतारा, महाराष्ट्र के अंदर सोलापुर, ये आपको मध्य, ठीक है, याद रखना अच्छे से। चलो आगे बात समझ में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां, हाँ विजयनगर साम्राज्य की राजधानी इंपोर्टेंट है, हम्पी है ना, हम्पी कर्नाटक के अंदर, ये अपनी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। किस नदी के किनारे पर विजयनगर साम्राज्य? तुंगभद्रा नदी के किनारे, ठीक है। ये बात भी याद रखना, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, फिर कह रही हूँ मैं अच्छे से। हाँ चलो आगे देखो, आगे किए, आगे किलेबंदी है, किलेबंदी के है दोस्तों,
किलेबंदी किलेबंदी तो कर लो, किलेबंदी देखेगा, बात कर लो किलेबंदी की। तो विजयनगर साम्राज्य के किलेबंदी, तो इसमें देखो पॉइंट बाई पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पॉइंट बाई पॉइंट। पहला देखो, आप मैंने पढ़े होगा आपने अच्छे से, जो मेन मेन पॉइंट वो लिख दिए मैंने, बाकी और कर देना आपसे भी। विजयनगर में दुर्गों के 7 पंक्तियां थी। दुर्गों की कितनी पंक्तियां थी? 7 पंक्तियां थी, जिसके तहत देखो विजयनगर साम्राज्य इस प्रकार से था। तो विजयनगर साम्राज्य में शहर, कृषि भूमि, जंगल जो है वो चारों ओर से ढका हुआ था विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। और सबसे बाहरी दीवार को विजयनगर की पहाड़ियों को जोड़कर बनाया गया था। जो बाहरी दीवार थी, बाहरी दीवार, उसको विजयनगर की जो पहाड़ियां थी उसको जोड़कर बनाया गया था। और तीसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच जूते हुए खेत और बगीचे आदि जो है वो थे, ठीक है। और अन्नागार भी बनाए गए थे इसी विजयनगर साम्राज्य में, किलेबंद में जो है वो अन्नागार बनाए गए थे अंदर, ताकि बाहरी कोई बाहर से आक्रमण कर भी दे तो अंदर जो है वो सेना आराम से जो है वो कार्य कर सके, खेती वेती कर सके, अन्न खत्म ना हुए, उसी प्रकार से अन्नागार बनाए गए थे। तो ये कुछ आप जो है पॉइंट याद कर लेना, किलेबंदी में और आप अच्छे से पढ़ लेना, आ जाइए बात समझ में थारा अच्छे से। 1857 की क्रांति के समय देखो, हाँ ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 1857 की क्रांति के समय जो है वो कौन कहाँ थे? तो देखो पूछ देगा कि 1857 क्रांति के समय दिल्ली में शासन कौन कर रहे थे? तो दिल्ली में कर रहे थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, याद रखना। उसी प्रकार 1857 क्रांति के समय कानपुर में कौन शासन कर रहे थे? तो नाना साहब कर रहे थे। और बिहार में कौन कर रहे थे? बिहार में कर रहे थे कुंवर सिंह, ठीक है। नवाब वाजिद अली शाह जो है वो अवध प्रशासन उस समय कर रहे थे, आ रही बात समझ में। झांसी में बात करें, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। लखनऊ में बात करें, बेगम हजरत महल थे। तो ये याद कर लो, इंपॉर्टेंट है पॉइंट, पर्सन जाएगा एक नंबर के अंदर पूछेगा इसमें कि 1857 क्रांति के समय कौन कहाँ पर शासन कर रहे थे। चलो ये आगे हमारे बात समझ में, तो एक बार इसके सोट लो यार, मैं साइड में हो जाऊँ। हाँ ठीक है, ले लिया। चलो अब आगे देखो, अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को कुचलने के लिए कदम उठाए गए। अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए गए? तो पहला देखो, मार्शल लॉ तथा मुकदमे जो है वो लागू कर दिया, मार्शल लॉ लागू कर दिया और सैनिक कार्रवाई करना शुरू कर दिया, ठीक है। अंग्रेजों ने जागीरें जो है वो जब्त कर ली गई और नए नए जो है वो कानून का निर्माण किया गया, अलग अलग नए नए कानून बना दिए, आम जनता पर अत्याचार करने लगे। तो ये जो है आप लिख सकते हैं, ये अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को कुचलने के लिए क्या है, उठाए गए प्रमुख कदम थे, ठीक है। मोस्ट है ये क्वेश्चन भी, एक बार जो मेन मेन पॉइंट बन रहे हैं वो पॉइंट पॉइंट इस पर जो इंपॉर्टेंट है मेन पॉइंट में लिख रहा हूँ, बाकी आप इसके अंदर लिख सकते हो बाद में भी। चलो आगे देखो, स्वदेशी आंदोलन कब से कब तक चला? 1905 से 1907 तक चला था। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1907 तक चला था। अब स्वदेशी आंदोलन था, इसके तहत हम देखते हैं उदारवादी नेता और एक और है आपके सामने, वो लिखा नहीं मैंने, उग्रपंथी नेता। कौन है उग्रपंथी नेता? एक तो उदारवादी नेता, एक उग्रपंथी नेता है। अब देखो उग्रपंथी नेता में कौन कौन आते हैं? तो उग्रपंथी नेता में आते हैं लाल, बाल और पाल, ये उग्रपंथी नेता थे, ठीक है। तुरंत जवाब देते हैं ये, हाँ थोड़ा बहुत गड़बड़ हुई नहीं, तुरंत धक्को दरबार निकाल दे अच्छे से। लाल से लाला लाजपत राय, लाल से क्या याद रहना है? लाल से लाला लाजपत राय, ठीक है, लाजपत राय, लाल से लाला लाजपत राय थे। बाल से बाल गंगाधर तिलक, बाल से याद रहना बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। और पाल से याद रहना विपिन चंद्रपाल, कौन? विपिन चंद्रपाल। तो ये जो थे लाल बाल पाल, ये उग्रवादी नेता थे, ठीक है। और इधर उदारवादी नेता की बात करें तो उदारवादी नेता में मोहम्मद अली जिन्ना, याद रखें दोस्तों, ठीक है, मुस्लिम लीग के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना। और गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या है? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम यही है दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के गुरु थे भाई, गांधी जी के गुरु थे, गुरु राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखे। चलो आगे बात समझ में, लोग यज्ञ क्यों किया करते थे? इस प्रश्न का आंसर आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में, ये मैंने लिख रखा है कमेंट बॉक्स में। तो लोग यज्ञ क्यों करते थे, आप इसका आंसर मुझे देंगे, मोस्ट क्वेश्चन है ये भी, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, इसको आप दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। तो ये थी अपनी क्लास, आज की क्लास कैसी लगी बुलेट? अरे दोस्तों कोई पीछे लटक तो नहीं रहा बुलेट के? सभी मेरे साथ ही हो ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। लाइक करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो फटाफट, और शाम को अपनी लाइव क्लास लेते हैं दोस्तों धुआंधार तरीके से। आप सभी इसी प्रकार से ज्यादा संख्या में जुड़ना और एक एक प्रश्न को समझ के याद कर लो अच्छे से। चलो दोस्तों कल पेपर अच्छे से देना, ऑल द बेस्ट, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, जय हिंद जय भारत, ओके।